दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं पुनः एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में टेस्ट सीरीज 15 हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये आपके BPSC सहित अन्य सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में 50 प्रश्नों का संग्रह किया गया है, जिसमें से कि 10 प्रश्न होंगे आपके करंट अफेयर्स के। 40 से लेकर 50वें नंबर तक का जो प्रश्न होगा ये आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे, और ये आपके BPSC सहित अन्य सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस श्रृंखला के जो रिमेनिंग और भी वीडियो हैं 14 सेट, वो आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में अरेंज है, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और आपको बता दूं कि ये टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा जा रहे हैं, उसमें सभी वीडियो में प्रश्नों की संख्या 50 होती है, और प्रत्येक प्रश्न जो होता है 1 मार्क्स का होता है, और इसका फुल मार्क्स रखा गया है 50, और इस प्रकार पासिंग मार्क्स जो है वो 35 है। तो आप कोशिश कीजिए कि 35 से अधिक प्रश्नों को आप यहाँ पर सॉल्व करें। अगर 35 से आप कम सही करते हैं तो आपकी तैयारी को एकदम ख़राब मानी जाएगी, यानी कि ये कह सकते हैं आपको फेल माना जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो कट ऑफ है वो है 35। आप इस पूरे वीडियो को एग्ज़ाम के तौर पे लीजिए, समझिए कि ये 50 प्रश्न आपके 66वें BPSC एग्ज़ाम में आया हुआ है। आप कॉपी और पेन लेके बैठिए और प्रश्न को सॉल्व करने के बाद आप काउंट कीजिए, और वीडियो के अंत में बताइए कि आपने 50 में से कितने प्रश्नों को सही सही हल किया है। इससे आपको आपकी तैयारी का अंदाज़ा लगेगा। और यहाँ पर जो ये लिस्ट आपको दिख रहा है, ये हमारे टॉप 5 रैंकर हैं जिन्होंने 14वां सेट में काफ़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। यह है सोनाली सिंह, गौरव यादव, राखी कुमारी, सोनू कर्ण और राहुल राज। ये हमारे सभी पेड मेंबर हैं। अगर आप भी हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम जानकारियां दी गई है, आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्न पर आ गए हैं। प्रत्येक प्रश्न की जो प्रकृति होगी वो हूबहू एकदम से BPSC प्रारंभिक परीक्षा की तरह ही होगी। जिस प्रकार BPSC प्रारंभिक परीक्षा में 5 ऑप्शन के साथ पूछा जाता है, उसी प्रकार के आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये। और प्रत्येक प्रश्न को मैं पढ़ूंगा और उसके बाद आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, और आप समझिए कि आपके पास ये सिर्फ 5 ही सेकंड है, और ये प्रश्न आपके BPSC एग्जाम में आए हुए हैं, और 5 सेकंड के अंदर आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो अपने अंदर जुनून लाइए और 5 सेकंड के अंदर प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिए। इससे आपके GK की जो तैयारी है उसको काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलेगा, और आप अच्छे करने में और भी सफल होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वह अणु या परमाणु जो धन या ऋण चार्ज लेते हैं क्या कहलाते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, यानी कि आयन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न। लोहे की चादर पर जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लोहे की चादर पर जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इस प्रश्न का आंसर होगा गैल्वेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर C। लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मिश्रण है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो इनमें से जो मिश्रण है वो है वायु। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जाता है कि वायु इनमें से क्या है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा वायु। वायु एक प्रकार का मिश्रण है। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर इस वीडियो में किसी प्रश्न में आपको किसी प्रकार की शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा कि ये इसका आंसर गलत है या उसका आंसर गलत है। प्रश्न का नंबर के साथ आप वहाँ पर बताइएगा इसमें क्या गड़बड़ी है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, एक रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूपों को क्या कहा जाता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चौथे नंबर का आंसर होगा एलोट्रॉफ, ऑप्शन नंबर A यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूपों को एलोट्रॉफ कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सेल्सियस स्केल के अनुसार पानी कब उबलता है। आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि ऑप्शन नंबर B यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अब यहाँ पे देखिए, पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए मैं आपको कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ। आप जो यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए। मैसेज करते समय ध्यान रखिएगा कि आप वहाँ पे लिखिएगा पेड, पेड लिख के अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो पेड लिख के इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे अगर आप पेड ग्रुप के जुड़ना चाहते हैं तो भी जुड़िए, अगर नहीं भी जुड़ना चाहते हैं तो भी मैसेज कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि अगर आपको हमारे जो चैनल पे आए हैं, जो मास्टर PDF, जो कि वर्ल्ड इतिहास का जो मास्टर PDF है, और उसके बाद प्राचीन इतिहास का मास्टर PDF है, जो इम्तियाज़ अहमद सर के बुक का जो एकदम से मैंने हूबहू एकदम PDF बनाया है, वो अगर आपको नहीं मिला है, और उसके बाद BPSC प्रीवियस ईयर के 600 प्रश्नों का एक सेट है, पिछले 6 माह का करंट अफेयर से लगभग 1200 प्रश्न उसमें शामिल किया गया है, तो ये सभी PDF के लिए एक बार ज़रूर मैसेज कीजिएगा। और पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा इस व्हाट्सएप नंबर पे।
इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो छठे नंबर प्रश्न का आंसर होगा एंटोमोलॉजी, कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व पानी से कार्बोहाइड्रेट बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? इस प्रश्न का आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो पेड़ पौधे होते हैं दिन के समय में वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि रात के समय में ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न बीमारियों में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है? कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है? इस प्रश्न का आंसर होगा टाइफाइड। निम्न में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है? तो टाइफाइड बीमारी जो है वो बैक्टीरिया से होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर जो है ये मलेरिया रोग का वाहक है। तो आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लाल रक्त कण कहाँ बनता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लाल रक्त कण कहाँ बनता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बॉन मेरो, लाल रक्त कण बॉन मेरो में बनता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान किसके दरबारी कवि थे? तो 11 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिवाजी। 11 का ऑप्शन होगा ऑप्शन 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिवाजी। अष्टप्रधान जो थे वे शिवाजी के दरबारी कवि थे। और उसके बाद अगर कृष्णदेव राय की बात करें तो इसके भी दरबार में अष्टदिग्गज का संबंध जो है वो कृष्णदेव राय से है और अष्टप्रधान का संबंध शिवाजी से है। ये दोनों बात को आप ध्यान में रखेंगे। और अकबर की बात करेगा तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। अकबर के दरबार में जो भी महान व्यक्तित्व थे उसे 9 रत्नों की संख्या दी गई थी, 9 महारत्न थे। उसके अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सभापति कौन थे? इस प्रश्न का आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के सभापति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 1885 में हुई थी और इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1885। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसके समय में फाहियान नालंदा विश्वविद्यालय में आया था? इस प्रश्न का आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन एक वाणिज्यिक फसल है? तो तंबाकू को वाणिज्यिक फसल की जो दर्जा दिया जा सकता है इस सभी ऑप्शन के आधार पर, तंबाकू जो है एक प्रकार का वाणिज्यिक फसल है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? काफ़ी पॉपुलर प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका आंसर होगा कृष्णा नदी पर, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम वनांचल वाला क्षेत्र है? भारत किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला मतलब राज्य है? 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भूभाग पर वन है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? इस प्रश्न का आंसर होगा 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार के क्षेत्रफल है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 94,163 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस शहर में पहला ओलंपिक खेल हुआ था? यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, किस शहर में पहला ओलंपिक खेल हुआ था? इस प्रश्न का आंसर होगा एथेंस, एथेंस में पहला ओलंपिक खेल हुआ था।
उसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को कैसे भंग कर सकता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति लोकसभा को कैसे भंग कर सकता है? तो 20वें नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर, राष्ट्रपति लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मलेरिया रोग किस मच्छर के कारण होता है? देखिए यह प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है, मलेरिया रोग किस मच्छर के कारण होता है? इसका आंसर होगा मादा एनोफेलिज मच्छर, मैंने अभी आपको बताया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लैक होल किससे संबंधित है? ब्लैक होल किससे संबंधित है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा खगोल शास्त्र से। ब्लैक होल, जिसे कि हिंदी में कृष्ण छिद्र कहा जाता है, ये खगोल शास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? ये सभी प्रश्न आपके बीपीएससी मॉडल सेट पर आधारित है, इसी तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एक्स किरणों की खोज किया गया था रोएंटजेन के द्वारा, रोएंटजेन या रोएंटजेन आप जो भी बोलें, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोएंटजेन, या फिर रोएंटजेन भी कहा जाता है, कई कई जगह पर रोएंटजेन भी लिखा हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर होगा रोएंटजेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। अगला प्रश्न है, अम्ल के साथ साथ खनिजों की अभिक्रिया से क्या बनता है? अम्ल के साथ साथ खनिजों की अभिक्रिया से क्या बनता है? इस प्रश्न का आंसर होगा लवण, ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य किससे संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य किससे संबंधित है? तो ये श्वसन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर होगा, श्वसन। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सिंह किस जंगल में पाए जाते हैं? भारत में सिंह किस जंगल में पाए जाते हैं, इसका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान। और आप सभी को पता होगा कि हर वीडियो में आपको एक प्रश्न पूछता हूं, और हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में भी मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एनीमिया किसकी खुराक में कमी की वजह से होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोहा, खुराक में लोहा की कमी की वजह से एनीमिया रोग होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पवन, इनमें से पवन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो 29 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा मौर्य। इन सभी ऑप्शन के आधार पर मौर्य वंश इसका करेक्ट आंसर होगा। और मौर्य वंश जो था ये मगध प्रशासन स्थापित किया था, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 30वें नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ निम्नलिखित विटामिन में से किसका भरपूर स्रोत है? ध्यानपूर्वक आंसर कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? हरी पत्तेदार सब्जियाँ निम्नलिखित विटामिन में से किसका भरपूर स्रोत है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए और बी और सी, यानी कि विटामिन ए, विटामिन बी टू और विटामिन ई हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती है? 32 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? एक मानव कंकाल में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 206 हड्डी। जन्म के समय में एक शिशु में 306 अस्थियां होती है, लेकिन ये व्यस्क होने के साथ साथ ये आपस में जुड़ती जाती है और ये हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। तो इस प्रकार आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 206।
मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है। कैसे प्रवेश करती है बताइए, इसका आंसर क्या होगा। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है। कैसे करती है? तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाएं सिरे से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, 3-4 साल के एक बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं है। 3-4 साल के बच्चे में दूध के दांत में क्या शामिल नहीं है? इस प्रश्न का आंसर होगा चवर्णक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, चवर्णक। चलिए अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है? पैंतीस का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1.5 लीटर। नेक्स्ट प्रश्न, नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग या काले रंग के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर होगा आयरिस। आयरिस में जो नेत्र का जो भाग है आयरिस, वो निर्धारित करता है कि कौन सा रंग है, काला, नीला, भूरा, जो भी रंग होते हैं उस रंग के लिए आयरिस ही जिम्मेदार है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक सर्वदाता व्यक्ति का रक्त समूह क्या होता है? सर्वदाता यानी कि सबको देने वाला। तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओ ग्रुप वाले जो व्यक्ति होंगे वो किसी को भी सर्वदाता यानी कि किसी को भी वो अपना ब्लड दे सकते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न है, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। तो 38 का सही आंसर होगा अधिवृक्क ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उस ग्रंथि का नाम बताएं जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है, यानी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट आंसर होगा, अस्थि मज्जा। 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मानव शरीर के अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य में बौनापन किसके स्राव के कारण होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, थायरोक्सिन हार्मोन। 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थायरोक्सिन हार्मोन। मनुष्य में बौनापन थायरोक्सिन हार्मोन के स्राव के कारण होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो अब यहाँ पे देखेंगे सभी प्रश्न जो हैं ये करंट अफेयर्स के हैं। 41 से लेकर 50 तक के सभी प्रश्न करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किस देश की निजी इक्विटी कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म्स में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपये निवेश करने का ऐलान किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के MSME क्षेत्र को सहारा देने के लिए रिस्टार्ट नाम का एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य सरकार के द्वारा ये एक कार्यक्रम शुरू किया गया है रिस्टार्ट नाम से, जो छोटे जो उद्योग हैं उसको सहारा देने के लिए कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है, ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है? इस प्रश्न का आंसर होगा आभास झा। इस तरह के करंट अफेयर्स ही आपको BPSC प्रारंभिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। बड़ी मुश्किल से इस तरह के प्रश्नों को मैंने सेट किया है और आपसे एक लाइक की अपेक्षा है कि आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के किस लेजेंड हॉकी खिलाड़ी और 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता का लंबी बीमारी के बाद 25 मई 2020 को निधन हो गया, वो कौन थे? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बलवीर सिंह। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा, बलवीर सिंह। इसका निधन हो गया 25 मई 2020 को। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली BJP अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है?
आप सभी को पता है कि मनोज तिवारी था उसको हटाया गया है। अब उसके स्थान पर दिल्ली बीजेपी का जो अध्यक्ष पद है उसे किसे मतलब कि किसे चुना गया है उस पद के लिए, तो इसका आंसर होगा आदेश गुप्ता। ये सभी प्रश्न करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण हैं, इसे आप नोट जरूर कीजिएगा और आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके इसका PDF भी जरूर प्राप्त कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, केरल की पहली महिला DGP हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। केवल 49 रुपये पे करके आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, तो तमाम जानकारियाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो केरल की पहली महिला DGP हाल ही में किसे नियुक्त की गई है, तो आर श्रीलेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, आर श्रीलेखा इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने हाल ही में किस अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्जुन अवार्ड के लिए अभी हाल ही में अपना आवेदन को भेजा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी हाल ही में FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो 48 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरुण सिंघल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, अरुण सिंघल इसे अभी हाल ही में FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष किसे चुना गया है, नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मार्कोस ट्राइजो, अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष के रूप में मार्कोस ट्राइजो को चुना गया है। नई प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो केंद्र सरकार ने इसे चैंपियन नाम से एक पोर्टल का लॉन्च किया है, तो आप ध्यान देंगे जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है उसकी समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने चैंपियन नाम से ये क्या कहते हैं ये पोर्टल को लॉन्च किया है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और कुछ देर पहले आपको मैंने बताया था जो MSME के बारे में एक राज्य के बारे में, उस राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा MSME के क्षेत्र में जो सहारा देने के लिए यानी कि रिस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम का शुरुआत किया है, आप उसे भी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है, इस वीडियो में कुल मिला के 50 प्रश्न थे, 50 में से कितने प्रश्नों को आपने सही सही हल किया आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।